तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ पूरी तरह से, और अभी मैंने जस्ट पूजा भी कंप्लीट कर ली है और 6 बज गए हैं शाम के, और बस थोड़ी देर में अभी मैं नीचे जाऊँगी, वहाँ पे हम सब लेडीज़ लोग मिलके थोड़ा सा गेट टुगेदर करेंगे और एंथाली एक्सचेंज करेंगे। तो ये है आज मेरे करवा चौथ का लुक, जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखी थी ये साड़ी, तो आज मैंने प्रॉपर तरीके से ये साड़ी पहनी है, तो बहुत ब्यूटीफुल बॉर्डर है इसका। सबसे अच्छा मुझे इसका बॉर्डर एंड पल्लू, यस एंड इसका पल्लू एंड बॉर्डर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आज मैंने ये हेयर स्टाइल किया है, देखिए, तो ये देखिए ये मेरा हेयर स्टाइल है। मैंने एक साइड पे साइड मैसी बन बनाया है और उस पर ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर का फ्लावर लगाया है। आई होप ठीक ठाक बन गया है। वेल, अपना खुद का हेयर स्टाइल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपका हाथ प्रॉपरली पहुंचता नहीं है पीछे तक, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है एंड आई थिंक ठीक ठाक बन गया है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा हेयर स्टाइल और मेरा करवा चौथ का ये लुक गेटअप कैसा लगा। ठीक है गाइस, तो ये तो है करवा चौथ के दिन की शाम के 6 बजे की बात, लेकिन उससे पहले मैंने क्या क्या किया और कैसे तैयारी की करवा चौथ की, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो चलिए चलते हैं। तो ये है करवा चौथ से एक दिन पहले की रात, और अभी अप्रॉक्सीमेट रात के 12 बज रहे हैं और मैं लगा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी। तो गाइस मेरी मेहंदी लग गई है और मैंने रिंग फिंगर में लिखा है अपने हस्बैंड का नाम विद अ स्मॉल हार्ट। और अब करवा चौथ का दिन स्टार्ट हो गया है और सुबह के 4 बजे मैं उठी हूँ सरगी खाने के लिए, और सरगी के लिए मैंने अपने लिए बनाई थी खीर। और यहाँ पे बस चल रही है तैयारियाँ दक्ष को स्कूल ड्रॉप करने की। दक्ष को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं, और अब घर की क्लीनिंग और थोड़ा काम वाम कर लेती हूँ, और उसके बाद नहा के फिर मैं करूँगी मंदिर की स्थापना, जो करवा चौथ की चौकी होती है उसकी जो स्थापना की जाती है वो करूँगी। मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और अब मैं कर रही हूँ चौकी लगा रही हूँ, जो माता जी की चौकी लगती है करवा चौथ के लिए, और उसके बाद मैं गणपति जी की पूजा कर लूंगी। और गाइज अभी शाम के अप्रॉक्सीमेट 4 बज रहे हैं और मैं अपनी जो छलनी है जिससे चांद को और हस्बैंड को देखते हैं वो रेडी कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है और मेरी छलनी डेकोरेट हो गई है। देखिए मैंने इसमें ऐसा गोटा लगा दिया है, ये नॉर्मल छलनी है जो मैं डेली किचन में यूज़ करती हूँ, और उसके मैंने डेकोरेट किया है, और अब इसमें थोड़ा कुछ और सोच रही हूँ डेकोरेट करने की। और हेलो, मम्मा ने खाना खाया तो मैं भी नहीं खाना खाया, और आपके दक्ष बोला है कि मम्मा आज आप कुछ खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो मैं भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, वैसे सुबह से खा चुका है। ओके, और दक्ष ने भी मेहंदी लगाई है, आजा दक्ष को दिखा अपनी मेहंदी। ये देखिए ये दक्ष की मेहंदी, और यहाँ पे लिखा है इसने ओम नमः शिवाय, ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है ना। और ये मेरे गणपति पाड़े हैं। ठीक है गाइस, तो अभी थोड़ी देर में पापा भी आ गए। आज मेरे हस्बैंड भी जल्दी ऑफिस से आ गए क्योंकि आज करवा चौथ है इसलिए। और देखो आपकी छन्नी हमें बस
बस अभी थोड़ी देर में पूजा कर लेंगे, उसके बाद नीचे हमारी सोसाइटी में थोड़ा सेलिब्रेशन है हम लेडीज का, तो वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद रात में चांद का वेट। मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से जल्दी आ गए हैं क्योंकि आज करवा चौथ है, और वो मेरे लिए अभी लेके आए हैं करवा चौथ का ये गिफ्ट, ब्यूटीफुल सा स्टोल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे उन्होंने मुझे साड़ी भी गिफ्ट की है जो आज मैं पहनूंगी करवा चौथ के दिन, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मुझे मिला है अभी अभी, सरप्राइज गिफ्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो गाइस ये था मेरा फ्लैशबैक कि मैंने कैसे तैयारी की करवा चौथ की, और अब चलते हैं प्रेजेंट में। तो अभी मैं शाम की पूजा कर रही हूँ और अब हम लोग सोसाइटी की जो लेडीज़ हैं वो गेट टुगेदर करके और एक बार दोबारा से सबने साथ में मिलकर कथा पढ़ी और थाली एक्सचेंज की। फाइनली चांद निकला और रात के करीब 9:30 बजे मैंने पूजा की और अपना व्रत पूरा किया। और उसके बाद हम डिनर करने के लिए गए बाहर, और इतना ज्यादा रश था, इतना ज्यादा क्राउडेड था गाइस रेस्टोरेंट, ऐसा लग रहा था कि जितनी भी लेडीज ने करवा चौथ का फास्ट किया है वो सारी की सारी डिनर करने के लिए आज यहीं पर आई हैं। और अब भूख लगने लगी है और वेट कर रही हूँ अपने ऑर्डर का कि जल्दी से डिनर आए तो मैं थोड़ी सी पेट पूजा करूँ। तो गाइस ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और आप में से जो भी लेडी करवा चौथ का फास्ट रहती हैं रखती हैं, आई होप आपका भी करवा चौथ इतना ही अच्छा गया होगा जितना कि मेरा। तो मैं अंजलि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस लेके आती हूँ आपके लिए, मैं कोशिश करती हूँ कि लाइफ से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। तो गाइस मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी दे दीजिए अपना थम्स अप। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Anjalibishtsamant, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी गाइस। एंड यस, बी यू, बी स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। बाय बाय।